अनुपात समानुपात। सबसे पहले समझते हैं अनुपात किसको बोलते हैं। यदि 5/6 इसको यदि दूसरे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, 5 दो बिंदी देंगे और कितना लिखेंगे 6। इसी को जो बटे था इसी को छेद करके लिखना, यही क्या कहला गया, अनुपात कहला गया। अब समानुपात किसको बोलेंगे, समानुपात का मतलब हो गया सब अनुपात, सब का मतलब बराबर अनुपात। जैसे मतलब 3/4 है, इसको अनुपात बटेगा 3/4 कितना 4। दूसरा यदि यही है 15/20 इसको कटाएंगे, 5 किया 15 5 6 कितना 20, तो इसका भी मान 3/4, इसका भी मान कितना 3/4। इसको हम लिख सकते हैं इधर जो बात था 3/4 और 15/20 क्या था समानुपात था। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते थे, तो इसको लिख सकते 15/20 ये दोनों का वैल्यू और 3/4 कितना था इसका रिजल्ट 4। दोनों अनुपात यदि बराबर हो इसको हम समानुपात के फॉर्मेट में और समानुपात के बदले क्या देंगे 4 को यदि बिंदी दे रहे हैं, यही अगर समानुपात यदि इसको बदलना होगा क्या करेंगे बराबर देंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम आराम से देखते हैं। ये क्वेश्चन 9 केवल 8 में 7 में बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखते हैं कुछ सवालों को कैसे कैसे इन्हें बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, दो शहरों के बीच का भाड़ा जो 11/18 है, बोला मूल भाड़ा 550 है तो भाड़ा में कितना का वृद्धि हुआ। कहने का मतलब क्वेश्चन बोला कि 11/18 है, इसका मतलब अनुपात के रेशियो पहले 11 था, ये बढ़ के कितना हो गया 18 हो गया। अब बोला मूल भाड़ा में इन 11 का वैल्यू था 550 था, इसको कटा दिया गया 55 था, एक का वैल्यू कितना 50। तो बोला भाड़ा में क्वेश्चन पूछा था भाड़ा में वृद्धि कितना हुआ, यहां 11 के रेशियो में था अब 18 हो गया, बढ़ा कितना 7 के रेशियो में। जब एक का वैल्यू 50 तो 7 का वैल्यू कितना 50 गुना 7 7/35 कितना 350। जिस ऑप्शन में 350 है वही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन था 7, 17, 22, 47 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए जो कि अनुपात क्या जाए समानुपात है। कहने का मतलब है यदि एक हम सब संख्या में जोड़ते हैं समानुपात होना चाहिए। अभी आपको बताए समानुपात, जैसे पहला ऑप्शन तो एक को लेकर जाता है तो पहला संख्या मेरा 7 1 कितना हो जाएगा 8, दूसरा 17 1 कितना हो जाएगा 18, ये मेरा 22 1 कितना हो जाएगा 23 और 47 1 कितना हो जाएगा 48। इसको यदि हम कटाएंगे चढ़ाएंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा, 4 2 8 9 2 18 इसका वैल्यू 2/9 21/48 बराबर नहीं बने कैंसिल हो गए। दूसरा ऑप्शन बोला यदि 3 को जोड़ते हैं 7 को 3 में जोड़ेंगे कितना 10 और 17 को 3 में जोड़ेंगे कितना 20, यदि 22 को जोड़ेंगे कितना 25 और 47 को 3 जोड़ेंगे कितना 50, 10 2 20 25 2 कितना 50। इसका भी रिजल्ट 1/2 और इसका भी रिजल्ट 1/2 हम बोल सकते हैं यदि इस सारा संख्या में हम 3 जोड़ेंगे ये संख्या मेरा क्या हो जाएगा समानुपात हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 0.8x 5/8x किसके बराबर है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उन चीजों को देखें। कहने का मतलब 0.8 कैसे कैसे बनाएंगे उनको पहले देखें। 0.8 अनुपात का मतलब हो गया बटे x, समानुपात का मतलब बराबर, फिर था 5 बटे कितना x, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 5 गुना x कितना 5x बराबर 8 गुना 0.8 कितना 8, तो x का मान हो गया 8 गुना 0.8/5 88 कितना 64/5, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव यहाँ एक दशमलव। अब इसको यदि भाग करके 5 का 5 बच गया कितना 1/14, 5 × 10 = 1.2 कितना 2/8। मेरा जिस ऑप्शन में 1.28 है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अभी तक हम क्या क्या किए, हम किए 0.8 था 0.8 लिख दिए, अनुपात था बटे कर दिए x, फिर समानुपात था बराबर कर दिए, 5 था 5 लिख दिए, फिर अनुपात था 8 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम किसका मान निकाले x का मान निकाले। अब हमको इतना परीक्षा में इतना वक्त नहीं है, हम करेंगे क्या क्या करेंगे इसमें ध्यान रखने वाला बात क्या है उन चीजों को देखें। इसमें बोला कि जो शुरू वाला पार्टी है और इसका जो लास्ट वाला पार्टी है ये दोनों एक पार्टी है और ये दोनों एक पार्टी है। कहने का मतलब इसका सहेली ये हो गया और इसका भी सहेली कौन हो गया ये हो गया। तो जो चीज जिसका मालूम करना है उसको नीचे रखेंगे और जो दोनों चीज मालूम रहेगा उसको केवल ऊपर में रहेंगे। तो 0.8 और इसके साथ जो पार्टी था ये दोनों मालूम था, ये दोनों को खोया नहीं था और इस दोनों में क्या था x को खोया था। हम बोले जो दिया हुआ रहेगा वो दोनों को गुना करके ऊपर 8 और 0.8 क्या लिखते हैं 8 गुना 0.8 कितना 8 और इस दोनों में वो गायब कर इससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो 88 64 1 5 इसको भाग दे मेरा कितना निकलेगा 1.28। कहने का मतलब इतना करने का भी हमको काम नहीं रहा। अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जो नहीं मालूम रहेगा इसी ढंग से क्या करेंगे आराम से बना सकते हैं।
आगे चलो। आगे क्वेश्चन इसी ढंग से अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर जैसे अनुपात में है तो बोला एक्स का मान क्या होगा। कहने का मतलब है ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर सारा अनुपात में, कहने का मतलब ये दोनों अनुपात और ये दोनों समानुपात और अनुपात। और आपको शुरू में ही बताए थे क्या कि ई वाला का पार्टी ई वाला और इधर दो का पार्टी ई वाला, तो ई दोनों एक्स वाला मालूम करना था, ई दोनों पार्टी था, ई दोनों को ऊपर में थे, ए बी गुना कितना सी स्क्वायर, एक्स के साथ जो जुड़ा था उससे क्या करेंगे भाग देंगे, जो कटने वाला उसको कटाएंगे, बी बी कैंसिल, एक सी एक से कैंसिल, बचा क्या यहाँ सी यहाँ ए, जिस ऑप्शन में मेरा ए सी है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 1.2 अनुपात 3.9 अनुपात समानुपात 2 अनुपात 1। हम क्या बोले इसका पार्टी ई है, ई गायब था और ई दोनों पार्टी दिया हुआ था, जो पार्टी दिया हुआ वो दोनों को हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे जो पार्टी दिया हुआ था। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था उसको हम आराम से देखेंगे। कौन पार्टी दिया हुआ था, हमारे पास ई दोनों का मालूम करना था और ये क्या था ये दोनों दिया हुआ था, तो जो दिया हुआ है पार्टी उसको पहले लिखेंगे। कहने का मतलब 3.9 इसका पार्टी कितना था 2 और वाट का पार्टी जो 1.2 को गायब था बटे भाग कितने हुआ था 1.1 खत्म हो गया। 2 छक्के कितना 12, 3 से कटाएंगे 3 × 4 13 कितना 39, 13/2 इसका मतलब 13 का आधा कितना 4.5 आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 5:8 150 अनुपात कितना। शुरू में ही बताए थे शुरू वाला का पार्टी लास्ट वाला, इसका पार्टी ई दोनों, तो आप बता सकते हैं इसका पार्टी गायब था लेकिन ई दोनों पार्टी क्या था मौजूद था, तो जो मौजूद रहे उसको पहले लिखेंगे इसका मतलब 8 गुना कितना 150, जिसका पार्टी गायब था एक्स के साथ 5 था ही गायब था इससे क्या करेंगे भाग देंगे, तो 30 × 150 तो 30 × 8 कितना 240 आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। संख्या दिया हुआ है बोला इसमें अनुपस्थित जो दिया हुआ नहीं है उसको क्या करना है मालूम करना है, तो आराम से मालूम करेंगे कैसे कैसे बोला 5:8, 15 का इसका पार्टी ई वाला गायब है ई दोनों पार्टी है, तो जो है उसको पहले लिखेंगे 8 × 15 जिसका मालूम नहीं था उसे डिवाइड कर देंगे, 5 दिया कितना 15, 8 × 3 कितना 24, जिस ऑप्शन में 24 है वही क्या हो गया आंसर। 8:25 समानुपात 56 है, सेम काम हम वही करेंगे, क्या करेंगे इसका पार्टी ई इसका पार्टी ई, तो दोनों मालूम था हम सीधा लिखेंगे 56 × 25/8 बिना टाइम वेस्ट के 8×56 × 25 कितना 175 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है √2 अनुपात 1+√3√6 अनुपात x में, तो x का मान क्या होगा, सेम का मान वही करेंगे, क्या करेंगे ये दोनों को क्या करेंगे ये दोनों एक पार्टी ये दोनों एक पार्टी, जो पार्टी मालूम है उसको यहां करेंगे √6 × 1+√3/2 देंगे कितना से √2 से, जो कटेगा उसको कटाते हैं √2 से कट गया कितना पर में √3 × 1 कितना √3 + √3 कितना 3, इसका मतलब मेरा जिस ऑप्शन में √3 + 3 होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी का अनुपात 1:3:2 है बोला सी का वैल्यू कितना 4 है, हमको बोला बी का मान क्या होगा, आराम कैसे बना सकते कैसे, यहाँ बोला था सी के जगह में कितना था 2 था, इसका मतलब यहाँ बोला था सी का मान कितना 4, यहाँ बोला सी के जगह में 2 यहाँ बोला कितना 4, हम बोल सकते हैं 2 का वैल्यू 4 था 1 का वैल्यू कितना 2, हमको बोला बी का मान यहाँ बी का मान किस में था √3, तो 1 का वैल्यू 2 मतलब केवल 2 से क्या करना है गुणा करना है, यहाँ √3 था मेरा आंसर कितना हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्या 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, इसके पहले आपको तृतीय अनुपात से सिखाते हैं कैसे तृतीय अनुपात बनाते हैं, कैसे मध्यानुपात बनाते हैं और कैसे तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात बनाते हैं, कैसे वर्गानुपात बनाते हैं, पहले इन चीजों को सीख लें फिर आराम से सिखाएंगे। कोई भी यदि संख्या मतलब ए और बी इसका यदि मध्यानुपात निकालना है तो बोला 2 संख्या का यदि मध्यानुपात निकालना केवल दोनों संख्या को क्या करना है रूट के अंदर दे देना है। आगे यदि तृतीय अनुपात इसी का बोलेगा तो जो बाद वाला संख्या है इसको 2 बार गुना मतलब स्क्वायर कर देना है और पहले संख्या क्या करना है भाग करना है, और यदि चतुर्थानुपात से करना है तो बोला चतुर्थानुपात में 3 संख्या दिया जाएगा ए बी सी, चतुर्थानुपात बोलेगा बाद वाला दोनों संख्या को गुना करके पहला संख्या क्या करेंगे भाग देंगे, तो क्या क्या काम किए तो बोला 2 संख्या यदि दिया हो रहेगा बोला जाओ मध्यानुपात, तो दोनों संख्या को गुना करके जेल के अंदर मतलब रूट के अंदर आंसर बोलेगा, तृतीय अनुपात यदि संख्या ए और बी है तो तृतीय अनुपात कैसे बाद वाले संख्या को 2 बार लिखना 2 बार लिखना है
स्क्वायर कर देना, तो दो बार लिखना, बी गुना बी लिखते हैं नहीं तो बी स्क्वायर पहले संख्या से भाग, चतुर्थ अनुपात में तीन संख्या दिया जाएगा बोला जाएगा चतुर्थ अनुपात, तो बाद वाला दोनों संख्या गुना पहले संख्या से भाग करेंगे। तो आशा और उम्मीद है समझ में आया, अगर देखते हैं निशंक का सवाल कैसे पूछता है, कैसे उस सवाल को बनाएंगे। क्वेश्चन है 9 और 15 का तृतीयानुपात कैसे बनाएंगे, तो तृतीयानुपात में हम सिखाए थे तृतीयानुपात में क्या करना है, अब बोले थे जो बाद वाला संख्या इसको दो बार लिखना है, तो 15 गुना कितना 15, और पहला संख्या केवल भाग देंगे, 3 × 9 = 15, 3 × 15 = 25 कितना 25, जिस ऑप्शन में 25 है वही क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 28 का तृतीयानुपात क्या होगा, आराम से जो बाद वाला संख्या उसको दो बार लिखेंगे, इसका मतलब 28 × 28 बटा पहला संख्या क्या करेंगे भाग देंगे, 4 × 28 = 28 × 7 = 196, 8 × 7 = 56, 6 × 8 = 56, 8 × 7 = 56, 2 × 56 = 56, ये भी कट गया, ये मेरा क्या गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है एक बार फिर तृतीयानुपात बोला 12 और 48 का तृतीयानुपात क्या होगा, घबराने का बात नहीं, जो बाद में हम 48 × 2 = 48 जो पहला संख्या उसके भाग देंगे, 48 × 4 = 4 × 2 = 32, इसके लास्ट में 2 32 का मतलब 2 × 16 = 32 = 512 हो सकता है मेरा आंसर कितना हो गया 2 और 32। नेक्स्ट बोला संख्या 24 और 36 का तृतीयानुपात क्या होगा, तो तृतीयानुपात में आपको सिखाए थे कि जैसे 24 और 36 लास्ट वाले संख्या को दो बार गुना और पहले संख्या से भाग, 12 × 24 = 36, 2 से कितना बार में 18, तो जो जो बच गया मेरा 18 × 3 = 18 कितना 54 आंसर। आगे क्वेश्चन है x y ऐसी संख्या है जिसका मध्यानुपात कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो मध्यानुपात का मतलब अगर दोनों को गुणा करके रूट के अंदर, तो छोटी 18 का इसका मतलब 6 होगा नहीं कैंसिल, 12 का कितना 72 के रूट 6 होगा नहीं कैंसिल, तो बात किया 36 + 36 की हो सकता है। आगे वाला तृतीयानुपात कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए, इसका जो तृतीयानुपात का मतलब बाद वाले को दो बार गुणा 6 × 6 = 6, 6 का कट गया होगा नहीं होगा कैंसिल होगा, इसका तृतीयानुपात का मतलब 3 × 12 = 3, 3 × 12 = 12, 8 × 12 = 64 क्या हो इसका संख्या घटाएंगे कि समानुपात हो जाए, इसमें x घटाएंगे, इसमें भी x घटाएंगे, इसमें भी x घटाएंगे, इसमें भी x बटा करके ये बराबर करेंगे, इससे किसका मान निकालेंगे x का मान, जो भी x का मान होगा, अब बोला x + 1 और 7x + 8 का क्या करना है मान निकालना है, बोला इसका मध्यानुपात निकालना है, जिसमें x का मान रख देंगे, जितना आप x का मान निकालेंगे इसमें छेदक करके जो होगा वही आपका क्या आ जाएगा मध्यानुपात, दोनों गुणा करके रूट के अंदर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको आप सेकंडों में यदि आप बनाना चाहते हैं तो सेकंडों में भी बना सकते हैं, लेकिन टैक्स का आपको क्या करना पड़ेगा मान लेना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा बनेगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है किसी विद्यालय में 150 छात्र लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों के बीच मध्यानुपात, अच्छा 4:1 है, 4:1 का मतलब 4 कितना 5 का वैल्यू कितना 150, 1 का वैल्यू कितना 30, आप निकाल सकते हैं 4 का वैल्यू कितना 30 × 120 और ये कितना 1 का वैल्यू 30, अब बोला लड़का और लड़की है 120 है कितना 30, बोला इसका मध्यानुपात, मध्यानुपात में जाते हैं दो संख्या के लिए मध्यानुपात दोनों को गुणा करके रूट के अंदर, तो 12 × 36 = 36 × 36 = 7, जिस ऑप्शन का आपका 7 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है कि x 25.6 और 32.4 का मध्यानुपात, y 32 और 48 का तृतीयानुपात है, तो 3x/2y का मान क्या होगा, आराम से बना सकते हैं, क्या क्या काम करेंगे उन चीजों को आराम से देखें, क्या क्या क्वेश्चन बोला, तो
क्वेश्चन बोला था एक्स जो मान है बोला 25.6 और 32.4 का मध्यान का मध्यान पद के रूप में है। अच्छा इसका वर्गमूल कितना 16 और 324 का कितना 18। इन दोनों का यदि वर्गमूल हम इतना निकाले तो बोले एक अंक के बाद 11.1 एक एक कितना 2 दो अंक के बाद 10 यदि निकलेगा तो बचेगा कितना एक अंक के बाद 16 × 18 और गुना करेंगे तो कितना 18 × 6 18 से कितना 78 10 बच गया और 18 10 कितना 28 इसका मतलब 18 कितना 8। अब y का मान बोला क्या करना है बोला 6 और 48 का जो है क्या निकालना है क्वेश्चन था 32 और 48 का तृतीय अनुपात तृतीय अनुपात 48 × 48 बटे कितना 32 16 दूनी 32 बटे 48 2 से कितना हो गया 24 y का मान कितना निकल गया 72। अब क्वेश्चन बोला था 3x बटे 2y का मान था 3 गुना x का मान कितना 28.8 बटे y का मान 2 गुना y का मान कितना 72। इसको आप सॉल्व करेंगे जो भी होगा वही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि ए और बी दो संख्याएं का मध्यान अनुपात कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए और तृतीय अनुपात कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए। अरे मध्यान अनुपात 6 का मतलब हो गया इतना को पूरा छोड़ दिया था नहीं हो सकता बाद के 36 का 6 हो सकता है 6 का 36 हो सकता है बाद में 42 का विरुद्ध निकालेंगे 6 नहीं होगा लेकिन तृतीय अनुपात बोले कितना 48 इसका तृतीय अनुपात भी आपका 12 बटे कितना 3 3 चौके 12 बटे कितना 48 तो दोनों बात मेरा सेटिस्फाई कर दिया मध्यान अनुपात भी 6 और तृतीय अनुपात कितना 48 आंसर। यदि इसको आप तरीका से बनाते तरीका से कैसे बनाते तो बोला कि x और y का मध्यान अनुपात अंदर x का मध्यान अनुपात रूट अंदर इसका बोला 6 है इसका मतलब x का मान छोटा के कितना 36। अब बोला यदि तृतीय अनुपात 48 है तो x का तृतीय अनुपात y स्क्वायर बटे x स्क्वायर कितना 48। तो इससे आप x और y का मान निकाल करके पुट अप करते हैं आपका x और y का मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। तो क्या मध्यान अनुपात 6 है तृतीय अनुपात 48। यदि आप तरीका से बनाना चाहेंगे AB का मध्यान अनुपात कितना रूट अंडर AB का वैल्यू कितना 6 AB का वैल्यू कितना आ गया 6 का स्क्वायर मतलब कितना 36। अब बोला AB का मध्यान अनुपात तृतीय अनुपात 20 स्क्वायर बटे A का मान कितना है 48। आप इसमें मान पुट अप कर दें मान पुट अप जैसे कि 20 स्क्वायर बराबर क्या क्या 48 A हो गया आप लिख सकते हैं 20 स्क्वायर बराबर 48 गुना A के जगह में क्या लिखेंगे A के जगह में लिख सकते हैं कितना 36 बटे B जो कटेगा उसको कटाएं तो यहां 20 स्क्वायर गुना B कितना हो गया B पर पावर 3 बराबर 48 गुना कितना 36। इधर आके फिर ये जगह इसको आप सॉल्व करेंगे B का मान निकल जाएगा फिर इसमें रखेंगे A का मान जो भी होगा वही आपका क्या आ जाएगा ए और बी दो संख्या क्वेश्चन रिपीटेशन था अब रिपीटेशन क्वेश्चन है इसके पीछे आपको बताया है देख लें किसी विद्यालय में 150 विद्यार्थी लड़का और लड़की का अनुपात 4 अनुपात 1 है ये भी क्वेश्चन इसके पहले आपको 2-3 सवाल पहले बताया है देख लें क्वेश्चन है 4.8 और 10.8 के बीच मध्यान अनुपात है तो मध्यान अनुपात कैसे निकालेंगे तो 10.8 गुना 4.8 का कौन से बिल्कुल आप बोला 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपात का अनुपात इसका रिजल्ट जो होगा वो बोला तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे 2.4 गुना 2.4 बटे कितना 0.4 दशमलव फर्क के 4 से कितना 24 इसको आप सॉल्व करेंगे जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12, 28, 21, 45 में से x जोड़ा जाता है इसका मतलब था कि 12 + x / 28 + x = 21 + x / 45 कितना है इसको आप सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे x का जो भी मान निकलेगा बोला आपको x का मान नहीं निकालना है आपको मान निकालना है x + 3 और 1 + 1 का मध्यान अनुपात तो इसका वैल्यू कितना होगा आप सॉल्व करेंगे x का मान कितना है 6 तो 6 × 3 = 9 और यहाँ 6 रखेंगे 6 × 24 कितना 25 इसका मतलब 9 और 25 का आपको क्या निकालना है मध्यान अनुपात तो मध्यान अनुपात 9 और 25 का 9 × 25 का मतलब इसका मतलब 3 इसका 5 3 बचे कितना 15 जिस ऑप्शन का आपका 15 है वही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो आगे क्वेश्चन सेम इसी लाइन से आप बस बोला 43, 39, 32 और 56 प्रत्येक में x घटाया जाता है तो x कैसे घटाएंगे इसका मतलब 23 - x बटे 39 - x = 32 - x / 56 - क्या इसको आप सॉल्व करके x का मान निकालेंगे x का मान कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अब सवाल था
कि x प्लस फाइव एक्स प्लस फोर मतलब पांच चार कितना नौ या पांच तीन पंद्रह कितना सोलह। जो संख्या निकला बोला इधर का मध्य अनुपात सोलह और नौ का मध्य अनुपात सोलह गुना नौ कितना एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस का वर्गमूल कितना बारह। आंसर आगे करो। अगर फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला कि इक्कीस बाईस साठ और चौसठ में x घटाया जाता है प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक संख्या में आप x घटाएंगे तो इक्कीस माइनस x बटे बाईस माइनस x बराबर साठ माइनस x बटे चौसठ माइनस x। इस कंडीशन से आप किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, आपका x का मान जो भी निकलेगा मान लिया आठ निकला पर x प्लस वन का आठ है कितना नौ और बोला सात x प्लस आठ का सात अटे छप्पन छप्पन और आठ कितना चौसठ। इन दोनों का क्या निकालिए मध्यानुपात, तो इसका हो गया तीन है इसका हो गया आठ, तो आठ के कितना चौबीस, जिस ऑप्शन में आपका चौबीस है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या पांच अनुपात सात में पहली संख्या बीस है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। आप सेकंडों में बना करते हैं कैसे, बोला पहला संख्या बीस है इसका मतलब पांच का वैल्यू बीस है, एक का वैल्यू कितना चार, एक का वैल्यू चार तो बोला दूसरा संख्या सात का कितना अट्ठाईस, जिस ऑप्शन में अट्ठाईस है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अनुपात दिया हुआ था, अनुपात दिया था चलो ने x अनुपात y z y अनुपात z x z अनुपात x y के अनुपात में व्युत्क्रम अनुपात का मिश्र अनुपात, तो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं उन चीजों को पहले सीखें। जैसे अनुपात एक अनुपात दो, दो अनुपात तीन और तीन अनुपात चार, इसका यदि बोलेगा मिश्र अनुपात आपको निकालना पहला वाला पार्ट इसका पहला वाला पार्ट इसका वाला पहला पार्ट तीन दूनी छह एक कितना छह दो तीन छह छह तो कितना चौबीस, यही आपका हो गया क्या मिश्र अनुपात। कहने का मतलब पहला वाला पार्ट सबका पहला वाला पार्ट गुणा करेंगे दूसरा वाला पार्ट सबका दूसरा वाला। सेम क्वेश्चन यही बोला, क्वेश्चन बोला इस सब जो रेशियो का इसका व्युत्क्रम का अनुपात, व्युत्क्रम मतलब पहले क्या कीजिए रिवर्स कर दीजिए, तो पहले हम क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, उसके बाद क्या निकालना है उसका जो है अनुपात निकालना है। तो पहले रिवर्स करते हैं, यहाँ एक्स अनुपात वाई जेड था इसका मतलब वाई जेड अनुपात एक्स, दूसरे में था क्या जेड एक्स अनुपात वाई, इसको रिवर्स कर दे इसको रिवर्स कर दे वाई जेड अनुपात कितना इसका व्युत्क्रम कर दिया, मतलब पहले व्युत्क्रम अनुपात निकालिए फिर मिश्र अनुपात, जबकि तीन गो राशि एक दो तीन तीनों था तीनों का बोला मिश्र अनुपात, तो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं तीनों का भी पहला वाला पार्ट यदि आप गुणा करेंगे एक्स वाई जेड एक्स और ई तीनों हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अनुपात, दूसरा वाला पार्ट एक्स वाई जेड था जो लिखेंगे एक्स वाई जेड एक एक एक्स वाई जेड कट गया तो एक्स वाई जेड अनुपात कितना ए, जिस ऑप्शन में है मेरा एक्स वाई जेड वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पर ना वाई एक्स जेड का वैल्यू चार पाँच छः, कहने का तात्पर्य है कि वाई का वैल्यू चार एक्स का वैल्यू पाँच और जेड का वैल्यू कितना छः है, मतलब इसका मान आप क्या करें मान निकालें, केवल हम मान रखते रहेंगे और मेरा मान निकलते जाएगा, तो आराम से मान रखेंगे मान निकलेगा कैसे, मतलब एक्स माइनस जेड एक्स का मान पाँच था तो पाँच माइनस वाई था तो चार प्लस छः, पाँच में चार घट गया एक, एक में कितना सात बटे मतलब एक्स प्लस वाई तो एक्स और प्लस वाई तो चार पाँच नौ, नौ में छः घटाना था कितना तीन, जिस ऑप्शन में मेरा सात बटे तीन है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो